दोस्तों, वीजा एक्सपायर हो जाने के बाद आप सऊदी अरब में कितने दिन तक रुक सकते हैं? ऐसा बहुत लोगों का सवाल है दोस्तों। जैसे आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि बहुत लोग अपना फैमिली विजिट वीजा पे सऊदी अरब में रखते हैं, या ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग वीजा पे रहते हैं वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी वीजा के ऊपर अगर सऊदी अरब में हैं और अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो लोग सोशल मीडिया पे पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई वीजा एक्सपायर अगर हो जाता है तो कितने दिन तक हम रुक सकते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। जो वीजा पे आपका टाइम है, जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले आपको सऊदी अरब छोड़ देना है अगर वीजा एक्सटेंड नहीं होता है तो। अगर आप सोचते हैं कि एक दो दिन लेट हो जाएगा, अगर एक दो दिन भी लेट हो जाता है तो आपके ऊपर लाखों में मुखालफा आ सकता है भाई, हजारों में लाखों में मुखालफा आ सकता है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और ये दिमाग में अपने रखते हैं कि वीजा तो मेरा एक्सपायर हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुखालफा ज्यादा फाइन नहीं आएगा, तो ये गलती आप लोग मत करना। जो आपके वीजा पे, जो आपके ऑफिशियल अकाउंट पे शो कर रहा है जो लास्ट डेट है, उस लास्ट डेट से पहले पहले आपको सऊदी अरब को छोड़ देना है। बेस्ट तरीका तो यही रहेगा दोस्तों कि अगर आपका वीजा में भी 6 तारीख को एक्सपायर हो रहा है तो 5 तारीख को आप सऊदी अरब छोड़ दे। ये सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे, रिस्क लेंगे, रिस्क कवर करेंगे, अगर रिस्क लेते हैं तो रिस्क का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट आएगा, कहीं गलत रिजल्ट आ जाए तो फिर आप उस रिजल्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं, मतलब कि जुर्माना ज्यादा आ सकता है। तो गलती आप लोग मत करना, और अगर गलती करेंगे तो ज्यादा मुश्किल हो सकता है।